देखो बेटा, अगर आपके पास एक दीवाल है और एक आपके पास बॉल है जो एक पट एंगल पे आती है और दीवार से टकराती है, जब यहाँ पे टकराती है तो कोलिजन होगा। कोलिजन आपके पास इलास्टिक है, यानी कोलिजन आपके पास इलास्टिक कोलिजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मास m है, v वेलोसिटी से कोई बॉल आ रही है, गेंद आ रही है आपके पे टकरा रही, तो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन है, तो उतनी वेलोसिटी से जो है वो फिर से आएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आपने कहा कि सर वो एंगल थीटा बनाती हुई आ रही है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और यही थीटा एंगल बनाते हुए ये आपकी वापस इस ओर आ जाएगी। दीवार तो तोड़ेगी नहीं, इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कितना होगा, जाहिर सी बात है, जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे चली जाएगी। मामला इलास्टिक कोलिजन का है तो उसकी वेलोसिटी भी उतनी होगी, यानी आप कह सकते हैं कि इतनी ये मास इस वेलोसिटी से यहाँ टकरा रहा है और इलास्टिक कोलिजन है, एंगल पे आया है तो उतने ही एंगल से वापस चला जाएगा, राइट। हाँ, अगर यूं आता 90 डिग्री पे इसके वाल के, तो आपका ये वापस 90 पे आ जाता, क्योंकि एंगल है इलास्टिक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगना है। ऐसे सूरत हाल में आपके पास मास और वेलोसिटी है, और मास और वेलोसिटी दोनों प्रोडक्ट मिलके क्या बनाते हैं, मोमेंटम। तो आपको निकालना होगा चेंज इन मोमेंटम, कि किस मोमेंटम से आई है और जो फाइनल मोमेंटम हुआ उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, क्या जीरो तो नहीं, नहीं, देखते हैं। तो आपको जो टास्क है इस केस में वो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने का है। आपने कहा सर एक चीज हमको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, कि सर आप एक लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये आपकी वर्टिकल है, वाई एक्सिस है। ऐसे सूरत हाल में अगर कोई पॉइंट हो, चाहे इधर हो चाहे वो हो, तो किसमें हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, यानी कि ये मसला टू डायमेंशन का है। तो आपने कहा कि सर ये मास और वेलोसिटी आ रही दो अलग अलग नहीं, हम इसको मास इंटू वेलोसिटी कर दें ताकि हमको मोमेंटम मिल जाएगा। एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी तो आपको वेक्टर होगा, और अगर कोई वेक्टर एंगल पे है तो सोती सर ने क्या कहा है कि उसको रिजॉल्व करेंगे, कर लीजिए रिजॉल्व। इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो जाहिर से याद है एक कंपोनेंट ये मिलेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन मिलेगा। ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, ये मिलेगा एम बी कॉस थीटा। आप जानते हैं इधर आई पॉजिटिव होता है, इधर आई निगेटिव होता है, ऊपर जे पॉजिटिव होता है और नीचे जे निगेटिव होता है। तो आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, एम बी कॉस थीटा अगर दिखा दें तो इधर ज्यादा है, एक्स है तो पॉजिटिव हो गया, काम बन गया आपका। ये वाला हो गया एम बी साइन थीटा, कहाँ पे नीचे जा रहा है देखिए, तो ये जे डायरेक्शन में माइनस जा रहा है। आइए इनका भी तिया पाचा कर लें, इस मास के पास क्या है, वेलोसिटी है, तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब आपके पास मोमेंटम है, कह लगे तो कह लगे डायरेक्शन भी है, तो आपने क्या कहा कि सोती सर ने कहा इसको रिजॉल्व करेंगे। ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा ड्यू टू करेस्पॉन्ड एंगल, इतना आप जानते हैं, तीन एंगल अल्टरनेट करेस्पॉन्ड वर्टिकल अपोजिट, काम बन गया। ये इधर जा रहा है एम बी कॉस थीटा, इधर क्या होता है माइनस होता है, नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम बी साइन थीटा माइनस जे, ये माइनस जे। अब आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम कहेंगे भैया चेंज इन एक्स डायरेक्शन का निकाल लो, चेंज इन वाई डायरेक्शन का निकाल लो, तो रिजल्टेंट चेंज इन मोमेंटम निकालना आपको आता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम क्या एक्स डायरेक्शन का, ये है आप जानते ही हैं, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस, कभी भी चेंज निकालोगे तो फाइनल में से इनिशियल ही सबट्रैक्ट करना, तभी निकलता है चेंज यानी डिफरेंस। तो ये फाइनल का एक्स एक्सिस का माइनस इनिशियल आपका इधर जा रहा है एम बी कॉस थीटा आई, बस काम बन गया। आपने कहा सर हमारा निकल आया चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में टू एम बी कॉस थीटा आई, यानी जो चेंज आएगा इधर आएगा, जाहिर सी बात है दीवार तोड़ के तो अंदर थोड़ी ना जाओगे। आइए चेंज इन वाई डायरेक्शन निकाल लें,
वाई डायरेक्शन देखिए, फाइनल क्या चल रहा है, ये चल रहा है माइनस एम वी साइन थीटा जे, और हमेशा माइनस ही लगाया जाता है चेंज में। इनिशियल इनिशियल क्या है आपका, ये है माइनस का है, इस माइनस का इस माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस का ये होता है प्लस का है, तो यानी चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन जीरो हो गया। बस अब आप राजा बनारस, कि अगर आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए था और कोई बॉडी एक्स एंड वाई डायमेंशन में है, तो एक्स का चेंज निकाल लिया, वाई का निकाल लिया, इसलिए आपने कहा कि सर जो हमारा रिजल्टेंट चेंज है वेक्टर क्वांटिटी है वी एक्स प्लस वी वाई। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई हमेशा 90 डिग्री पे है, इसलिए मैग्नीट्यूड आपने कहा 90 डिग्री में हो गया, कॉस 90 जीरो, तो इसका हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये तो आपका जीरो हो गया, तो आपने कहा चेंज इन वी एक्स स्क्वायर बराबर वी एक्स है। हम मैग्नीट्यूड क्या रहे थे, मैग्नीट्यूड क्या रहे थे, ये माइनस डायरेक्शन बता रहा था, इसलिए चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम वो किसके बराबर होगा, वो केवल इसके बराबर, यानी 2 mv कॉस थीटा। बेटा ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत से सवाल आते हैं जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू दी रहती है, लेकिन वो अब टेक्निकल हो गए हैं। कॉस थीटा की वैल्यू दी रहती है वो वर्टिकल से दे लेते हैं, और आप एनालिसिस कहाँ से कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ब्लाइंड होके ना जाइएगा कि 2 mv cos थीटा रख के चले गए, 2 mv cos थीटा आएगा ऐसे सूरत हाल में चेंज में। लेकिन वहां पे आप एक बदतमीजी करने लगे, ये थीटा जो है वो वर्टिकल से देने लगे, तो क्या करिएगा, अगर 2 mv cos थीटा ही लगाना है तो 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा, ताकि ये पूरी एनालिसिस आ जाएगी। एक बच्चे ने और पूछा था कि सर इसमें इम्पल्स भी पूछा जा रहा है, अरे हमने कहा इम्पल्स छोड़ो, इसमें प्रेशर भी पूछा जा रहा है। इम्पल्स तो आप जानते ही हैं, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, तो यानी कितना इम्पल्स पैदा होगा, 2 mv cos थीटा होगा। अब वो प्रेशर भी पूछ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर कितना होगा, अरे भाई सिंपल आप जानते हैं, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, am I right? अगर यहाँ पे खूब सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आके टकराते हैं, ठीक है, तो एरिया यही रहता है, उनका फोर्स निकाल लिया जाए, इसमें MOB के फॉर्म में देते हैं कि भैया इतना मास था इस मॉलिक्यूल का, इतने सारे थे, इस वेलोसिटी से आए थे, आपने कहा चेंज इन मोमेंटम हो गया। आप जानते हैं क्या जानते हैं, कि भैया जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स होता है, एम आई राइट? आप जानते हैं कि न्यूटन ने कहा था, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स है। तो फोर्स आपको कहां से मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। अब ये तो आपको मिल गया, अगर आपको एरिया दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए कि इतने मॉलिक्यूल्स आके इस एरिया टकराते हैं इतने सेकंड में, तो आप कहेंगे काम बन गया, क्योंकि एफ की जगह लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एम राइट, ए पहले से है। तो ऐसे सूरत हाल में आप केवल चेंज इन मोमेंटम नहीं, इम्पल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स जानते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, जो इम्पल्स होता है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स हो गया। और साथ में आपसे प्रेशर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे अगर जिस रेट से वो टकरा रहे होते हैं कि वेलोसिटी है इतने सारे इस इतने सेकंड में टकरा रहे हैं और इस एरिया से टकरा रहे हैं, तो आप उस एरिया पे डेवलप होने वाला प्रेशर भी निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। और फोर्स आप जानते ही हैं कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम ऐसे सूरत हाल में क्या मिल जाएगा, 2 mv cos थीटा मिल जाएगा, और रेट दिया है, एरिया दिया है। तो बेटा केवल चेंज इन मोमेंटम नहीं, इम्पल्स नहीं, उस वॉल के उस एरिया पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि थीटा ये लिया है, बदतमीज है, ये वाला भी थीटा वर्टिकल से भी दे देते हैं, उस समय 90 से उसको घटा लीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।